अगले वीडियो में आप सभी को स्वागत है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो अभी करें, क्योंकि बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग कंटेंट्स मैं इस चैनल पर अपलोड करते आ रहा हूँ। तो आपको देखने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो फ्री है दोस्तों, और उसके साथ नोटिफिकेशन बेल पर भी आप एक बार टैप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफाई होता जाएगा। अगले वीडियो में आप सभी को स्वागत है, और आज के वीडियो में हम देखेंगे Xiaomi Redmi Note 5 का अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशंस। देखिए, अभी Note 5 Pro का ऑर्डर किया था मैं, लेकिन मुझे वो कार्ट में तो चला गया, लेकिन ऑर्डर करने को नहीं हुआ। आपको पता ही है फ्लैश सेल Xiaomi का कैसे चलता है, बहुत डिमांड क्रिएट करते हैं। खैर कोई बात नहीं, अभी मैंने Note 5 खरीदी कर लिया है, तो आपको बहुत ही अच्छे डिटेल्स है वीडियोस मैं आपको लेकर आऊँगा, जो कि ये चैनल फेमस है उसके लिए। तो देखिए, यहाँ पर ब्रीफ में स्पेसिफिकेशन अगर देखें तो 5.99 इंच का आपको फुल स्क्रीन, जो कि 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला मिल रहा है। अभी वही फेमस हो रहा है एस्पेक्ट रेशियो, मैं इतना भी इसका फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन क्या करें, अभी जब आपको फुल स्क्रीन वाला डिस्प्ले मिलता है तो देखने के लिए, काम करने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है, तो वही बात है। और इसके साथ रेजोल्यूशन भी बहुत बढ़िया रेजोल्यूशन दिया है, जो कि 1080x2160 का रेजोल्यूशन मिल रहा है आपको 403 पिक्सल पर इंच डेंसिटी में, यानी कि आपको बहुत ही अच्छा डिटेल वाला रेजोल्यूशन, ब्यूटीफुल डिस्प्ले जो कहते हैं हम उसको, वही मिल रहा है आपको। लेकिन उसके साथ अगर हम प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे तो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं, बहुत सारे इस बजट के फ़ोन में आपको स्नैपड्रैगन का 625 का चिपसेट तो मिलता ही है, उसके ऊपर कॉर्टेक्स का ऑक्टाकोर का प्रोसेसर जो A53 है वही लगाया जाता है, तो वही कॉमन है इसमें भी। और उसके साथ GPU भी एड्रेनो का 506 है, इतना भी स्ट्रांग परफॉर्मर नहीं कह सकते हम, लेकिन क्या करें, अभी अंडर 10,000 रुपीज़ वहीं चिपसेट लगाया जा रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन 4000 मिली एम्पियर आर का बैटरी मिल रहा है आपको, उसमें भी आप एक प्लस कह सकते हैं इस मोबाइल में। तो अगर आप अराउंड 10,000 रुपीज़ स्पेंड करना चाहते हैं तो Note 5 Pro अगर लेना नहीं चाहते हैं आप, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो Note 5 भी एक बहुत ही अच्छा मोबाइल है। इसको टक्कर देने के लिए ढेर सारे मोबाइल भी है अदर ब्रांड्स के, जैसे कि मैंने Huawei Honor 9 Lite का वीडियोस भी बनाया, अगर नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए आप मेरे चैनल पर, तो वो भी बहुत अच्छा कंटेंडर है। लेकिन ये जो वाइड स्क्रीन डिस्प्ले है इसमें, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। Honor 9 Lite में थोड़ा नैरो कर दिया गया है, वो इतना मज़ा नहीं आता है, लेकिन इसका रेजोल्यूशन बहुत बढ़िया है Honor 9 Lite का। चलिए जल्दी से अभी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं, और इसका फर्स्ट बुक बूट भी कर लेते हैं। तो अभी हम इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। ऑलराइट, तो पहले ही मोबाइल नहीं, आपको कुछ कवर मिल रहा है यहाँ पर, देखते हैं कवर में क्या है, शायद क्लियर केस होगा। देखिए, ऐसे अगर आप 10,000 रुपीज़ में ले रहे हैं और इतना अच्छा पैकेजिंग आपको दे रहे हैं, तो बहुत ही प्रीमियम लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है नया मोबाइल ओपन करने में। तो ये है उनका क्लियर केस, वो कॉन्सेंट्रेट फोकस करके आपको अच्छा क्वालिटी देने के लिए कोशिश करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये थोड़ा ब्लैक कलर का है, क्योंकि मैंने ब्लैक कलर का मोबाइल लिया है, तो ब्लैक कलर का क्लियर केस जो है Redmi Note 5 का यहाँ पर है। तो नेक्स्ट आपको फ़ोन ही मिल रहा है यहाँ पर, हम इसको लेंगे। देखिए, यहाँ पर एक थोड़ा फ्लैप जैसा रहता था, तो वो नहीं मोबाइल निकालने के लिए अच्छी तरह से, तो वो मिसिंग है। ये है Redmi Note 5 फर्स्ट लुक इस चैनल पर, तो स्क्रीन गार्ड लगाया है, वो निकालेंगे हम। देखिए, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ड्यूल टोन LED फ्लैश है, जो कि बहुत ही अच्छा मैं समझता हूँ, क्योंकि वो ठीक से स्किन टोन को रिकॉग्नाइज करके आपको अच्छा फोटोज़ हो पिक्चर्स हो वो अच्छा देता है, एक्यूरेट कलर्स। यहाँ पर आपको रेयर में 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, और फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा, उसके साथ LED फ्लैश भी है, बहुत बढ़िया है। देखिए, ऐसे पकड़ने के लिए मैं जो कह रहा था कि Honor 9 Lite में ये जो डिस्प्ले है वो नैरो कर दिया है, वो इतना अच्छा नहीं, इतना मज़ा नहीं लगता है आपको पकड़ने में हो या फिर यूज़ करने में, लेकिन ये क्योंकि वाइड है इतना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और थोड़ा वज़न भी ज़्यादा है इसका, अराउंड 180 ग्राम्स तो ऐसा है, और स्लिम तो है ही, आजकल के मोबाइल सब स्लिम ही आ रहे हैं, तो ये भी स्लिम है। यहाँ पर पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर बटन, अप एंड डाउन, तो लेफ्ट साइड में सिम कार्ड डालने के लिए यहाँ पर है, हाइब्रिड सिम सपोर्ट करता है, ड्यूल जो भी आप नैनो सिम डालना चाहते हैं, एक नैनो सिम और उसके साथ एक माइक्रो SD कार्ड डाल सकते हैं, या फिर दो नैनो सिम आप यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी SD कार्ड। तो ये 32 GB इंटरनल स्टोरेज और 3 GB रैम वाला वर्शन है। तो अभी इसमें क्या है हम देख लेंगे, डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, यूजुअल डॉक्यूमेंट्स रहता है। ओके, थैंक यू फॉर चूजिंग Redmi Note 5। अरे भाई, फ्लैश सेल ठीक कर दो आपका, तो हम इसको थैंक यू एक्सेप्ट कर लेंगे।
तो ये है USB एज यूजुअल, लेकिन ये फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है, नॉट क्विक चार्ज 2.0, लेकिन फास्ट बैटरी चार्ज 5 वोल्ट 2 एम्पियर का जो रहता है वही है। यहाँ पर सिम कार्ड इजेक्ट करने के लिए, तो इसमें ऑब्वियसली बैटरी चार्ज करने के लिए आपको एडाप्टर है। तो आई थिंक इनका पैकेजिंग बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही प्रीमियम बनाते हैं विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी ऑफ कार्ड बॉक्स एंड सच थिंग्स। तो चलिए अभी इसको हम ऑन करेंगे, फर्स्ट बूट करेंगे, थोड़ा ये नीचे का जो है वो क्लीन अप कर दूंगा, तो उसके बाद मिलते हैं। तो ये है Redmi Note 5, जो कवर था यहाँ पर वो निकाल दिया है मैंने, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल हम कह सकते हैं अराउंड 10,000 रुपीज़ बजट में मोबाइल देखने के लिए। तो चलिए फर्स्ट बूट करते हैं, अभी इसको फर्स्ट पावर ऑन करूँगा और सेटअप करके आपको बताऊँगा कि क्या क्या स्टेप्स आपको सेटअप करने पड़ते हैं। तो देखते हैं कि कितना देर भी लगता है ऑन करने में। तो ये रहा मी लोगो यहाँ पर, तो नीचे बॉटम फायरिंग स्पीकर है, दो स्पीकर है, टेस्ट करना पड़ेगा कि ड्यूअल स्पीकर है या फिर सिर्फ एक ही स्पीकर है और ग्रिल दो बनाए हैं। और यहाँ पर USB 2.0 एज यूजुअल माइक्रो USB चार्जिंग, देखिए अभी ऑन हो चुका है MIUI 9, अभी सेटअप करेंगे हम इसको। तो यहाँ पर एक बार टैप कर दीजिए, नेक्स्ट होगा वो, तो जो भी आपका लैंग्वेज हो वो सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। अभी मैं इंग्लिश इंडिया जो है वो सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट पर टैप करेंगे हम। तो यहाँ पर चूज़ योर रीजन करके है, ऑब्वियसली हम रीजन को इंडिया सेलेक्ट करेंगे, GHI, तो उसके बाद फिर से नेक्स्ट पर टैप करें। यहाँ पर कीबोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं आप, बाद में भी कर सकते हैं, अभी आपको अगर सेटअप करना है तो सेटअप कर दीजिए। फिलहाल मैं अभी गूगल इंडिक कीबोर्ड सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि बहुत सारा इंडिया का रिलेटेड हो या फिर करेंसी का सिंबल्स हो या फिर ऐसे कस्टमाइज्ड ऑप्शन आपको गूगल इंडिक कीबोर्ड में मिलेगा, जो भी अगर आप लैंग्वेजेस भी यूज़ करेंगे तो बहुत ही यूज़फुल होगा यहाँ पर। तो एनेबल इन सेटिंग्स करके हम यहाँ पर देखिए गूगल इंडिक कीबोर्ड है, उसको आपको एक बार टैप करके उनका जो भी एग्रीमेंट रहता है पर्सनल डाटा कलेक्ट करते हैं तो आपको ओके करना है। उसके बाद सेट परमिशन फॉर गूगल इंडिकेटिंग, अगर टाइपिंग सजेशन आपको करना है वो ऑटोमेटिकली तो वहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना है, या फिर यहाँ से आप देखिए एनोनिमस डेटा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसको। यू कैन सेट एडिशनल लैंग्वेजेस, वो बाद में करेंगे। तो उसके बाद सी कीबोर्ड फीचर, अभी जो थीम है डिफ़ॉल्ट वहीं पर छोड़ देंगे, इसके बाद हम डन पर टैप कर देंगे तो गूगल इंडिक कीबोर्ड सेटअप हुआ है। तो नेक्स्ट पर टैप करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए पूछेगा, अगर जो भी अपडेट्स है वो ऑटोमेटिकली अपडेट भी होगा। तो अच्छा है कि अगर आप अभी से इंटरनेट को सेटअप करेंगे वाईफाई के द्वारा या फिर आप मोबाइल डेटा के द्वारा तो अच्छा होगा। फिलहाल मैं अभी कनेक्ट कर देता हूँ इंटरनेट को। तो अभी इंटरनेट को कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पर टैप करेंगे। अभी टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो टर्म्स एंड कंडीशंस को ऑब्वियसली आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पर हम टैप करेंगे, यहाँ पर सिम कार्ड चेक कर रहा है, फिलहाल मैंने सिम कार्ड इंसर्ट नहीं किया है। तो फिर से नेक्स्ट पर टैप करेंगे, अगर आपका गूगल अकाउंट है और गूगल पर साइन इन करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए यहाँ से, ताकि आपका जो भी ईमेल्स हो सिंक हो सके। अगर नहीं है फिलहाल, बाद में भी आप कर सकते हैं, तो मैं नो पर टैप कर देता हूँ। Xiaomi का अकाउंट आपको अगर रजिस्टर किया है तो रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट है ना, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो भी यहाँ से स्किप बटन अगर टैप करेंगे तो हो जाएगा। मेरा अकाउंट यहाँ पर है तो मैं अकाउंट पर साइन इन करके वापस आता हूँ। तो अकाउंट को साइन इन करने के बाद आपको ये मैसेज मिलेगा कि मी क्लाउड को सेटअप करना है, अभी हम सिंक नहीं करेंगे इसको। तो फिलहाल आपको अलाउ करके सिंक नहीं करेंगे मी क्लाउड को, डोंट यूज़ मी क्लाउड, ओके फाइन। डिवाइस है, अगर आपका डिवाइस घूम जाता है कहीं तो आप रिमोटली दूसरे मोबाइल से इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं, या फिर जो भी आपका सेटिंग्स हो रीसेट करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट करके टैप कर दीजिए। अभी फिंगरप्रिंट स्कैन यहाँ से ही सेटअप कर सकते हैं, सेटअप कर लेते हैं और देख लेते हैं कितना देर लगेगा। ऐड फिंगरप्रिंट, तो फिंगरप्रिंट अगर कहीं कभी मिस होता है तो आप पैटर्न से भी अनलॉक कर सकते हैं, हम पैटर्न पर रखेंगे। तो ये कह रहा है कि पैटर्न मीडियम सिक्योरिटी है तो अनलॉक करने के लिए ये होगा, अगर आप रिमेंबर नहीं करते हैं पैटर्न तो रीसेट करना पड़ेगा टोटली मोबाइल। तो अभी गॉट इट करके देखे, एक पैटर्न हम बनाएंगे ऐसे। तो बनाने के बाद यहाँ पर कंफर्म है, कंफर्म पर टैप कर दीजिए। देखिए अभी स्टार्ट करेंगे हम फिंगरप्रिंट रीड करने के लिए। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट का है, तो अभी हम ऐसे टैप करते जाना है आपको जब तक वो अच्छी तरह से रीड कर पाए। देखिए एडेड सक्सेसफुली करके आया, उसके बाद हम ओके पर टैप कर देंगे। लोकेशन एडिशनल सेटिंग, शेयर लोकेशन, एक्सपीरियंस प्रोग्राम, डायग्नोस्टिक डाटा ऑटोमेटिकली, ये सब आपका बैटरी खा जाएंगे और उसके साथ आपको जो भी इंफॉर्मेशन डेटा हो आपको बिना बताए कलेक्ट करते रहेंगे। तो यहीं पर आपको वो
अगर डिसेबल करना चाहते हैं तो डिसेबल कर दीजिए। तो जो भी मीयू का मी यूज़र इंटरफेस का जो भी है वो अगर आप ऑटोमेटिकली अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप टैप ऑन करके रखिए। फ़िलहाल मैं ऑन करके रखता हूँ इसको, ताकि वो अगर कोई अपडेट्स आता है तो ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है। तो नेक्स्ट पर टैप कर देंगे। दो थीम ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है, आप अभी से चॉइस कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट एंड लिमिटलेस। अभी हम डिफ़ॉल्ट नहीं लिमिटलेस लेंगे, तो यहाँ पर दिखाई देगा आप स्वाइप करके, ये वाला डिफ़ॉल्ट है, ये वाला लिमिटलेस है, हम लिमिटलेस पर रखेंगे। तो एक बार यहाँ टैप करके आप नेक्स्ट पर करेंगे तो अप्लाई होके आपको अभी हम होम स्क्रीन पर पहुँचेंगे। देखते हैं कि एप्स आर लोडिंग, सेटअप इज़ कंप्लीट। उसके बाद फाइंड डिवाइस करके आ रहा है, ओके कर देंगे हम। देखिए दिस इज़ दी फर्स्ट होम स्क्रीन, इनिशियल होम स्क्रीन ऑफ दी शाओमी रेडमी नोट 5 हम पहुंच चुके हैं। यह है होम स्क्रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही फ्लूइड है। यूजुअल स्नैपड्रैगन 625 चिपसेट जो है उसके ऊपर कॉर्टेक्स का ये 53 सीपीयू लगाया गया है, तो वही काम कर रहा है। आई थिंक ऐसे डिवाइस के लिए जो कि 4000 मिली एम्पियर आवर का बैटरी भी है, आपको आई थिंक काफ़ी है और अच्छी तरह से परफॉर्म भी करना चाहिए। और इसमें बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग फीचर्स भी है, कैमरा का हो या फिर कुछ अलग फीचर्स जो कि शाओमी का है, तो मैं वो सारे चीज़ आपको बता दूंगा अगले वीडियो में। तो क्योंकि बहुत लंबा भी हो सकता है वीडियो, तो इसलिए हम फर्स्ट अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन देख चुके हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में। आप होपफुली सब्सक्राइब करके बने रहिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए इस चैनल को। मिलता हूँ अगले वीडियो में, टेक केयर दोस्तों अपना, बाय बाय।